अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, पिंतली की जानिब से आप लोगों को ईद ब्लॉग में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना ईद ब्लॉग। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज जैसा कि आज नौज़िल हज है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़ा रखा है, और मैंने सोचा मैं एक ईद ब्लॉग रिकॉर्ड करती हूँ, तो मैंने इसकी प्रिपरेशन नौज़िल हज से ही शुरू कर दी थी। तो टाइम पीरियड जिसमें लोग मेहंदियाँ लगा रहे होते हैं, शॉपिंग मॉल्स में जा रहे होते हैं, या मोस्टली फीमेल्स पार्लर के धक्के खा रही होती हैं, और उस टाइम में मैंने अपने टाइम को कैसे बिजी किया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर। अपना ज़्यादा वक्त घर पे ही गुजारा। एक तो मॉर्निंग से ही लाइट चली गई थी, तो सोचा कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ईद व्लॉग के नाम से मुझे याद आया अपना ये स्ट्रॉलर। ये जो स्ट्रॉलर मैंने वेयर किया हुआ है, ये मुझे ईदी मिली थी, तो सोचा मैं इसे ईद व्लॉग में ही शामिल करती हूँ। ये स्ट्रॉलर मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद जनाब हमने अपना डे स्टार्ट किया। उसके बाद मैं चली गई अपने आर्ट स्टूडियो में, जहाँ पर मेरे पास एक पुरानी पेंटिंग थी, मैंने उसे रिफ़्रेश किया क्योंकि मुझे इसे अपने रूम में लगाना था। और मैंने गोल्डन पेंट और बबल रैप लिया। बबल रैप को ऐसे स्क्वेयर पीस में काटा और पेंट को रेडी करके मैंने इस तरीके से सारी वॉल पे, अपने जो आर्ट स्टूडियो की वॉल है वहाँ मैंने इस पैटर्न को क्रिएट किया। ये दिखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन इसमें अच्छा खासा टाइम लग गया था। ऑलमोस्ट जोहर की नमाज़ का टाइम स्टार्ट हो चुका था। सुबह तकरीबन 10 बजे से मैंने काम स्टार्ट किया। ये काम डन करने के बाद मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ी, और फिर मगरिब तक ऑलमोस्ट मैंने रेस्ट ही की, कुछ भी नहीं किया। रोज़ अफ्तार करने के बाद मैंने किचन में काफ़ी काम होता है ईद से पहले, मैंने सबसे पहले मैंगो स्क्वैश बनाई, उसे फ्रिज में रखा, और साथ ही साथ दूध बॉयल हो रहा था। जब दूध बॉयल हो गया तो खीर पकने के लिए रख दी, और साथ में किचन के चक्कर लग रहे थे, और फिर मैंने अपना रूम भी थोड़ा सेटपट किया। मामा बादाम छील रही हैं खीर के लिए, और ये मेरी मामा के हाथों पे खूबसूरत सी मेहंदी। मामा अपनी मेहंदी का डिज़ाइन दिखाना ज़रा। नो। क्यों? आप कॉपी करोगी? ओ नहीं, कॉपी करती मैंने भी मेहंदी लगानी है वैसे, लेकिन आपका डिज़ाइन नहीं कॉपी करती। नहीं, दिखाएं तो सही। नहीं, अच्छा दिखा दो। वाओ माशाल्लाह, अल्लाह आपके हाथों पे मेहंदी सलामत रखे, बहुत प्यारी है। पीछे से भी दिखाएं। आमीन। नहीं, वो सादा सी है, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये है जनाब मेरा ईद का ड्रेस, मैंने जिसे प्रेस करके रख दिया था। इसे भी मैंने खुद डिज़ाइन किया है। ये प्लेन थ्री पीस सूट था, जिसे मैंने पाइपिंग और बॉर्डर के साथ इसे ऐसे हल्का सा और डिसेंट सा डिज़ाइन बनाया है। दुपट्टे पर भी मैंने पाइपिंग और ये से टसल्स लगाए हैं। ये मैंने हैंग प्लेज़ो है इसके साथ भी, और जूता इसकी मैचिंग का। ऑलमोस्ट मेरे पास हर तरह का ही हर कलर में जूता मौजूद होता है, कभी मुझे शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद मैंने लगाई मेहंदी। इस वक्त तकरीबन रात के 11 बज चुके हैं, मैं लगाऊंगी अब अपने हाथों पे मेहंदी। सबसे पहले मैंने अपना नेम राइट किया। लेफ़्ट हैंड पे मेहंदी मैंने खुद लगा ली थी, और राइट हैंड के लिए मैंने अपनी भाभी को बुलाया, वो जाग रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि सेम पैटर्न की मेरे दूसरे हाथ पे मेहंदी लगा दें। पाकिस्तान में जब गुड मॉर्निंग का टाइम हुआ तो मुंह पे पैच भी बन चुका था, जो कि मेरी मेहंदी का था। अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता था, ईद इसी के साथ गुजारनी थी। तैयार हुए हम जल्दी से, नमाज़ पढ़ी मैंने और मामा ने घर पे ही नमाज़ पढ़ी, क्योंकि ईद नमाज़ पढ़ने हम जाते थे अपनी करीबी मस्जिद में, तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी रात को, जिसकी वजह से ग्राउंड में पानी था और हम मस्जिद में नहीं जा सके, इसलिए मैंने घर पर ही नमाज़। जनाब हमारी जो मेड थी वो जेन्युइन रीज़न की वजह से छुट्टी पर थी, और फिर मुझे मासी सकीना के फ्राइज भी सर अंजाम देना पड़े। लो जनाब, काम शाम हमारे हो गए हैं, अब हम करेंगे अपने नेल पेंट पे नेल आर्ट। और जो यहाँ पे हमने कैमरामैन अपना बुलाया था, वो थोड़ा सा अभी ट्रेनिंग पे है। हमारी जब सारी नेल पेंट लग चुकी थी, सिर्फ एक अंगूठा बचा था, तब उन्होंने कैमरा ऑन किया। मीन्स टू से दैट कि जो पहले की वीडियो थी वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। खैर, नेल पेंट लगाया मैंने, भाभी को ये नेल पेंट बहुत पसंद आया, और ये था ऑन कलर का नेल पेंट ओरिफ्लेम का, जो वाकई ही बहुत मज़े का है। तो मैंने दोनों हाथों पर सेम नेल पेंट लगाया है। अब करूँगी जनाब थोड़ा मेकअप शेकअप।
एंड इट्स द टाइम टू से ईद मुबारक एवरीवन, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। जो भी मेरी वीडियो होगी वो आपको फ़ौरन से पहले मिलेगी। और ये है मेरी कंप्लीट लुक, कैसी लगी है आपको मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग, मेहंदी डिज़ाइन, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मॉर्निंग से ही बहुत ज़्यादा बिजी थी और मेरा ब्रेकफास्ट लेट हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मिल्क शेक बना लिया जाए। और इस वक्त हो रहा है जनाब 10 से 11 बजे का टाइम। ऑलमोस्ट मामा बना रही हैं पकोड़े और बहुत स्पाइसी से, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। बाबा ने भी दी भाभी को और मुझे ईदी। और औरतों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है जितनी समझी जाती है। और इस वक्त मैं हूँ किचन में, दोपहर का टाइम है और मैं बना रही हूँ खड़े मसाले वाला मटन। सॉरी टू से ये मत समझिएगा कि मेरा काउंटर साफ़ नहीं है, मैंने क्लीनलीनेस का ख्याल नहीं रखा। मैंने साफ़ सुथरा करके ही इसे काटा था। और ये जो खड़े मसाले की रेसिपी बहुत ही शॉर्टकट है, तमाम मसाला जात को जो हमारे आम रूटीन में होते हैं मैंने वही डाले हैं। और जनाब सालन पक्के तैयार हो गया है और ये इतना माउथ वाटरिंग लग रहा है कि वेट नहीं किया जाएगा अब इसका। मैं इसे टेस्ट करूँगी। और बैड लक ये कि मैंने सिर्फ 2 बाइट्स ली हैं, दाढ़ मेरी पहले से बहुत दर्द कर रही थी और आज टूट के हाथ में आ गई है। अब मैं मज़ीद तो नहीं खा सकती, इसे मुझे थोड़ा वेट करना होगा। और फिर जनाब ये मेरी जान का टोटा मुझे ईद मिलने आया। प्यारी आबा प्यारी खाला, ईद मुबारक, ईद मुबारक, छप 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 ईद मुबारक, प्यारे मामू प्यारे मामू ईद मुबारक। मैं किसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी वो घर आए और मैं सेल्फ़ी बनाऊं, लेकिन वो नहीं आई घर। अब मैं जा रही हूँ उसके पास ताकि उससे मिलूं और उसके साथ सेल्फीज़ बनाऊं। ले जनाब चलते हैं और सरप्राइज़ है देखें कि वो कौन है जिसे मैं खुद जा रही हूँ मिलने। टन टन, ये है मेरी प्यारी सी गाय। और हमारी कुर्बानी की डे 1 में होनी थी लेकिन नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली, तो ये होगी अब डे 2 में। तो देखिए मेरे से वेट नहीं हुआ, मैं इसे मिलने यहाँ आ गई, उसके साथ सेल्फीज़ बनानी थी मुझे बहुत ज़्यादा। और देखिए हमारी दोस्ती और हमारा प्यार कि हमने एक जैसी ड्रेसिंग की हुई है। एंड डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह। ये खा रही थी तो मैंने बोला एक सेल्फ़ी देगी, तो गुस्से में आके कहती तू सेल्फियाँ बना ले, खाने ना देना मुझे। और मैंने कहा तुझे मैं बेटा सुबह काटूंगी। घर आ गए हम, फिर हमने सुबह आके थोड़ी रिफ़्रेशमेंट की। भाभी के घर से ज़रदा आया था और खीर मामा ने ये बनाई थी, मैंने टेस्ट नहीं की थी अभी तक। तो जनाब मैं थोड़ा सा अपना पेट पूजा कर रही हूँ और उसके बाद सुबह की कुर्बानी के लिए लिस्ट बनवाई अब्बू जी ने। और उसके बाद टाइम बहुत हो चुका है, नाउ आई एम गोना स्लीप। टाटा बाय।